IVM. नमस्कार, इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी। पेशे से मैं एक बिजनेस पत्रकार हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं इस पॉडकास्ट में आर्थिक जानकारों के साथ बात करूंगा और जोड़ूंगा दुनिया भर के आर्थिक विषयों को आपकी जेब से। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर भरत झुनझुनवाला इकोनॉमी के एक नए आयाम पे बात करने के लिए। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि डॉक्टर भरत के साथ बातचीत हमने इंटरनेट पे जूम के माध्यम से रिकॉर्ड करी थी, तो डॉक्टर साहब की आवाज आपको थोड़ी कर्कश लग सकती है, पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारी बातचीत आपको ज्ञान का तर्कश जरूर लगेगी। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई पर हम एक एपिसोड कर चुके हैं और उस एपिसोड पर हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि भैया थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर जरूरी है, क्योंकि इससे बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो शिथिल कर्मचारी होते हैं या फिर शिथिल क्राउड होता है या फिर बड़ा ही कमजोर तबका होता है जो आगे नहीं बढ़ना चाहता है, अपने आप को रिफॉर्म नहीं करना चाहता है, उसकी छटनी हो जाती है। तो समाज को ढर्रे पे लाने के लिए कुछ हद तक महंगाई जरूरी है, पर बंधु इतनी महंगाई। 2022 में ओमाइक्रॉन वायरस के बढ़ते हुए प्रभावों के साथ मैं अभिनव त्रिवेदी आपसे बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, महंगाई की दर इस वक्त इतनी ज्यादा है, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो रोजमर्रा के सामान हो, दूध हो, अंडा हो, मीट हो, हमारे होम अप्लायंसेस हो, कुछ भी हम उठा लें, महंगाई की दर बढ़ती जा रही है। कोविड के बाद महंगाई की दर इस हद तक बढ़ गई है कि आम आदमी की इसने कमर तोड़ दी है। पर ऐसा क्या हुआ है पिछले 6-8 महीनों में कि महंगाई की दर इतनी ज्यादा बढ़ गई है? क्या ये महंगाई बढ़ने की वजह सप्लाई चेन का डिसरप्ट होना भी है? देखिए, इसमें कोविड का निश्चित रूप से प्रभाव है, लेकिन वो कोविड का नहीं है। हुआ ये कि जब कोविड का संकट आया तो अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, सरकार का राजस्व कम हुआ, टैक्स कलेक्शन कम हुआ, लेकिन सरकार के खर्चे बने रहे। तो सरकार ने बाजार से खूब लोन्स लिए, जिसको कहते हैं कि वित्तीय घाटा बढ़ गया, फिस्कल डेफिसिट बढ़ गई। सरकार ने मजे से खूब लोन्स दिए और अपने भर पेट खाना पीना सरकार का चलता रहा। नतीजे इसको आप इस तरह समझें कि यदि आपकी नौकरी 6 महीने के लिए छूट जाए और आप उस 6 महीने में ऋण लेकर के, लोन लेकर के बिल्कुल उसी तरह अपनी गाड़ी और बाइक को चलाते रहें, घूमते रहें, मस्ती करते रहें, तो 6 महीने के बाद अल्टीमेटली आपको उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। आपने जो पैसा 6 महीने तक बोरो किया उसको आपको पे करना पड़ेगा। अब सरकार की विशेषता यह है कि सरकार ने कोविड के 1 वर्ष के संकट के दौरान खूब जम करके लोन्स लिए जी, और खाया पिया मस्ती में सरकार चलती रही। ओके। रिजर्व बैंक ने बैंकों को लिक्विडिटी दी और बैंकों ने उस पैसे को सरकार को दे दिया। नतीजा ये हुआ कि बाजार में जो टोटल मुद्रा यानी कि नोट जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब केवल फिजिकल नोट नहीं है, जो बैंक के अंदर आपका 10 लाख या 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है वो भी नोट सरी खाई है, उसको भी आप नोट ही माने। तो जो टोटल बाजार में नोट्स थे वो तो बढ़ गए और लेकिन उत्पादन घट गया। कोविड के कारण उत्पादन कम हुआ लेकिन सरकार के खर्चे बढ़े रहे। सरकार ने, रिजर्व बैंक ने खूब नोट छापे या तरलता बनाए रखी। नतीजा यह है कि मनी सप्लाई, जिसको बोलते हैं, मनी सप्लाई तो बढ़ गई और उत्पादन कम हुआ या पूर्ववत रहा। नतीजा यह कि ज्यादा संख्या में या ज्यादा अमाउंट में जो नोट्स हैं या जो मनी है वह कम अमाउंट के उत्पादन के पीछे भागने लगा, उत्पादन का दाम बढ़ गया। दूसरा जो आपने कहा सप्लाई चेन, तो सप्लाई चेन की बात सही है, लेकिन सप्लाई चेन से भी ज्यादा मेरे हिसाब से जो संकट है वो ये कि जो पर्यावरण है अपने दुनिया का। अब जैसे मैंने सुना कि कुछ क्षेत्रों में बरसात ज्यादा होने से टमाटर की फसल खराब हो गई, कहीं बाढ़ आने से, वाटर लॉगिंग होने से आलू की फसल खराब हो गई। तो ये जो इस प्रकार के पर्यावरणीय
प्रभावों के कारण जो फसलें बर्बाद हो रही हैं, वह वर्तमान महंगाई का वह भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि वेजिटेबल्स का जो दाम है उसमें विशेष वृद्धि हो रही है और उसका कारण पर्यावरण है। तो इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट के रिवीजन का समय आ चुका है देवी और सज्जनों। जी हाँ, जैसा कि हमने समझा या फिर जाना यहाँ पे कि सरकार जो है अपने खर्चे कम नहीं की कोविड के दौरान, बोरोइंग्स बढ़ी, पूरे सिस्टम में पैसे का प्रभाव, पैसे का जो सर्कुलेशन था वो बढ़ा, ज्यादा नोट मार्केट में आए, ज्यादा उधारी ली गई, लोन देने से न सरकार पीछे हटी न बैंक पीछे हटे, इनफैक्ट सरकार ने भी खूब लोन लिया और अपनी सैलरीज प्रॉपरली डिस्पर्स करी। तो अब हुआ ऐसा कि पर्यावरण और सरकार के आधुनिक खर्चों की वजह से मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन बहुत बढ़ गया और इस वजह से महंगाई की दर भी बढ़ गई। डॉक्टर साहब, अब हम ये समझने और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये महंगाई आने वाले दिनों में बरकरार रहेगी भैया, क्योंकि तेल से लेकर के भिंडी तक सब कुछ महंगा हो गया है। इनफैक्ट माचिस की तीली की जो डिब्बी होती है वो भी एक से बढ़कर दो रुपए तक पहुंचने वाली है। तो आने वाले दिनों में जनता को किस तरह की मांग करनी चाहिए सरकार से ताकि महंगाई की मार से थोड़ा बचा जा सके? जनता को ये कटु सत्य समझना चाहिए कि कोविड के समय जो देश की समस्या हुई उसको हम झुठलाना चाहते हैं। अगर मैं फिर से वही उदाहरण दूंगा, यदि आपकी नौकरी छूट गई है तो आपको कहीं ना कहीं उसको बर्दाश्त करके, अपने को इनोवेट करके, अपनी स्किल सेट को बदल करके कुछ तो करना पड़ेगा ना। सरकार ने अपने देश में ही नहीं, दुनिया भर में सरकारों का यही रवैया रहा कि कोविड एक आकस्मिक अल्पकालीन समस्या है और हम इसके बाद वैक्सीनेशन के बाद निकल जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि जनता को मेन सरकार पर यह दबाव डालना चाहिए कि आप किस ख्याली दुनिया में रह रहे हैं। जनता को सरकार से ये पूछना चाहिए कि आपने इस इतने बड़े संकट के समय आपने कारगर कदम, आपने कोविड का वैक्सीनेशन किया, उसके लिए साधुवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा किया, बट दैट इज नॉट इनफ। आपको ये देखना चाहिए था कि जिस समय सरकार के देश की अर्थव्यवस्था खराब है, लोगों की वेतन कम हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां छूट रही हैं, उस समय सरकारी खर्च में कटौती क्यों नहीं की गई, ये प्रश्न सरकार को पूछना चाहिए। और ये सवाल आज के लिए भी है कि आज आप अपने खर्च क्यों नहीं कम कर रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई अपने रवैये के बाद सरकार से बिल्कुल सवाल उठाए जाने चाहिए। और जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, डॉक्टर साहब की सरकार को धन्यवाद, उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया। भाई, किसी भी देश की सरकार ने अपने नागरिकों पे एहसान नहीं किया है वैक्सीनेशन करवा करके। सरकार को इसीलिए चुना गया था, ये सरकार का काम है अपने नागरिकों को वैक्सीनेट करना, सुरक्षित करना। किसी भी प्रजातंत्र में सरकार को चुना इसलिए जाता है, उनको नौकरी पे रखा जाता है इस काम के लिए कि वो देश की सेवा करें। तो अगर किसी भी सरकार, कोई भी सरकार देश की, किसी भी देश की ये जाहिर करे कि भाई हमने आपके ऊपर एहसान किया है, तो वो गलत है। पर मुझे एक बात बताइए, वास्तविकता को देखते हुए अगले कुछ दिनों में या फिर अगले कुछ महीनों तक क्या महंगाई की ये मार रहने वाली है आपके हिसाब से या फिर और बढ़ने वाली है? मैं तो ये अगले एक साल को बहुत ही गंभीर रूप से देखता हूँ। मेरे हिसाब से, मेरे आकलन में यदि ओमिक्रॉन वेरिएंट विशेष प्रभावी नहीं भी हुआ, तो भी जितना मेरा जनता से बातचीत करता हूं तो लोग ये कहते हैं कि कोविड के पहले से अभी वर्तमान स्थिति करीब 50-70% वापस आई है। यानी अभी भी कोविड से के पहले से आम आदमी की स्थिति, मैं बड़ी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस, टाटा, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके परचून की दुकान वाले का और जो सिंगल टैक्सी का ऑपरेटर है, इन लोगों की आय कोविड के पहले से इस समय 50-70% है। और ये मैं मानता हूं ये परिस्थिति अभी बनी रहेगी। मैं तो यही अपने श्रोताओं से कहूंगा कि भाई मान के चलो कि आने वाला समय कठिन है और अभी से अपने खर्चों में कटौती करो, सेविंग करो, बचत करो और जितना हो सके अपनी
जो नई परिस्थिति है इंटरनेट बेस्ड जीविका चलाने की, उस तरफ जितना कर सको उतना करो, क्योंकि जो पुराने रोजगार हैं उनमें कटौती होगी निश्चित रूप से और नए रोजगार कुछ सृजित होंगे। आपकी एबिलिटी यह है कि अपने फिजूल खर्चों को कम कीजिए, 3 की जगह 1 जूते से काम चलाइए, रोज बाइक से ऑफिस जाने के बजाय बस से जाना शुरू कीजिए, अपनी इनकम को कंजर्व करिए, अपनी बचत कीजिए और अपने को और कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार कीजिए दोनों तरह से, एक तरफ खर्च में कटौती और दूसरी तरफ नए इनकम के रास्ते ढूंढने, इन दोनों काम को करते रहिए और बहुत गंभीरता से तत्काल कीजिए, अन्यथा परिस्थिति मेरे हिसाब से तो मैं किसी को ख्याली पुलाव में नहीं रखना चाहता और मैं समझता हूं कि परिस्थिति कठिन रहेगी। तो कोविड का प्रभाव अभी कुछ दिनों तक रहेगा, महंगाई का प्रभाव अभी कुछ दिनों तक रहेगा और ये कुछ हद तक सही भी है दोस्तों, क्योंकि ये प्रभाव हम देख ही रहे हैं। कोविड के हर 6 महीने में एक नए वेरिएंट आ जाते हैं, महंगाई की दर कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो ये बात साफ है कि थोड़ी सी ये जो ग्लूमी और डिप्रेसिंग सी पिक्चर है, कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक, माफ कीजिएगा, मेरी दुआ है कुछ महीनों तक ये और रहे, मेरे साथ, हमारे साथ रहने वाली है। तो जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि कुछ सावधानियां, जैसे कि सेविंग्स पे अपनी डिपेंडेंट रहें, अपने पैसों को बचाएं, फिजूल खर्ची ना करें, ये कहीं ना कहीं हमारी जड़ें मजबूत रखेगा, आने वाले कुछ दिनों में हमको संकट से निपटने की नई तरकीबें देगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रेट बिल्कुल करें, इस पॉडकास्ट को रेट करें। हमको बताएं कि इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट आपको किस तरह से पसंद है, आप किस तरह के और एपिसोड चाहते हैं, किस तरह के और टॉपिक्स चाहते हैं जो हम अपने पॉडकास्ट में डिस्कस करें। अगले हफ्ते हम आपसे फिर जुड़ेंगे और इकोनॉमी के एक नए आयाम को जोड़ेंगे आपकी जेब से। तब तक के लिए नमस्कार, शब बखैर। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, Cyrus talks to renowned film critic, author and journalist Anupama Chopra about her new book, A Place in My Heart. On Shunya One, Shilidhitya and myself are joined by co-founder of Blue Tokai, Matt Chandranjan. We discuss the origin story of Blue Tokai. The Simplified Host talked to Dr. Nitin Arora about COVID and its impact on the medical fraternity. On Smarter with Sid, Siddharth explores what it means to be inclusive and politically correct in today's day and age. And on Tere Mere Raste, Keshav visits Kushinagar, the sacred place believed to be where the Buddha attained Mahaparinirvana. Also, just one quick announcement for everybody. We would like you to check out the new version of our Android app. It's available on the Play Store. It's a really interesting take on how to listen to podcasts. Do give it a look and let us know what you think. We're open to feedback on all of our social media channels. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, do remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Word of mouth really does help. And don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And you can also check us out on YouTube. And we have a number of channels there at ivmpodcast.com/YouTube where you can take a look at them. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. What if you could relive some of the biggest and most public feuds in Indian corporate history? We are back through the window of time to see who among HUL or Nirma stood on top. Or who was more dominant between Tata Motors and Maruti Suzuki? Tune in with me, Ambi Parmeshwaran. And me, Anupam Gupta, on Bank of Baroda presents The Last Brand Standing. Where we talk about two brands vying for the top position. And what their journeys were. Every Tuesday on the IVM Podcast app or website. Or wherever you get your podcast from.